नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। अपराध नियंत्रण को लेकर भागलपुर एसएसपी ने चलाया सघन तलाशी अभियान। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का काटा चालान। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग महिला ने लगाई न्याय की गुहार। डीआईजी ने दिया न्याय का भरोसा। तीन दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंची राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम। पूर्व में हुए घटनाओं की समीक्षा। पूर्व सांसद बुलो मंडल ने लोकसभा चुनाव में हार के बाद केंद्र सरकार और ईवीएम पर फोड़ा ठीकरा। कहा, वोट की हुई लूट। और पुलिस जिला नौगछिया का कुख्यात अपराधी चंदन कुंवर और कृष्णा चौधरी चढ़ा पुलिस के हत्थे। हथियार हुआ बरामद। और अब खबरें विस्तार से। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के सख्त निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन अपराध नियंत्रण को लेकर सक्रिय हो गया है। भागलपुर में सोमवार को एसएसपी आशीष भारती के नेतृत्व में विशेष पेट्रोलिंग एवं सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। जिले में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी स्वयं चौक चौराहों पर जाकर धरपकड़ अभियान चला रहे थे। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एसएसपी ने कई वाहन चालकों को पकड़ा और हेलमेट नहीं पहनने वालों की जमकर क्लास लगाई। एसएसपी के निर्देश पर दर्जनों वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला गया और बाइक कार चलाने वाले लोगों की तलाशी ली गई। एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि यह अभियान लगातार चलता रहेगा, साथ ही हेलमेट पहनकर गाड़ी नहीं चलाने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। इस अभियान के दौरान कई युवा पुलिस को चकमा देकर भाग रहे थे, लेकिन एसएसपी की मौजूदगी में पुलिस के जवानों ने युवाओं को खदेड़ कर पकड़ लिया। मौके पर एएसपी सुशांत कुमार सरोज, सिटी डीएसपी राजवंश सिंह समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। अपराध नियंत्रण को लेकर के विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पेट्रोलिंग को दुरुस्त किया जा रहा है, साथ ही साथ वाहन चेकिंग पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खास करके क्योंकि आज सोमवार है तो कई पैसे लूट वगैरह की घटना घटती है सोमवार को, तो उसको देखते हुए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो इसी क्रम में सभी वरीय पदाधिकारियों के द्वारा भी चेकिंग अलग अलग चौक चौराहों पर किया जा रहा है। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने डीआईजी विकास वैभव से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद डीआईजी ने मुजाहिदपुर थाना पुलिस को अविलंब कार्रवाई का निर्देश दिया। भागलपुर के वारसलीगंज निवासी पूजा सोनी ने अपने ससुर और पति पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद कार्रवाई नहीं होने पर सोमवार को पीड़ित महिला डीआईजी से न्याय की गुहार लगाने पहुंची। हम आपको बता दें कि 30 मई को ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए पूजा को घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद पूजा ससुराल के बाहर ही धरने पर बैठ गई। घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वहीं थाने में मामला दर्ज होने के बाद ससुराल के सभी सदस्य घर में ताला लगाकर फरार हो गए, जबकि पूजा घर के बाहर बने गैरेज में ही रह रही है। वहीं मानवाधिकार की अमिता कौशिक ने कहा कि पीड़ित महिला को न्याय दिलाया जाएगा। मेरे साथ जब से मेरी शादी हुई है, उसके बाद से मतलब मेरी फरवरी में शादी हुई और उसके बाद मेरे ससुर जी मई से ही हमको बहुत परेशान करने लग गए। पहली बात तो कि जाओ भाई को बोलो कुछ पैसा से मदद करेगा, मेरा कर्ज बहुत है, ये सब को लेके। फिर उसके बाद बच्चे को लेके कि इसको बच्चा नहीं होता है, ये बांझ है, ऐसे है वैसे है। मेरे डॉक्टर को भी सिखा देते हैं कि मेरे बेटे को कहना कि इसको कभी बच्चा नहीं होगा, ताकि मेरा बेटा इनको छोड़ दे। पूजा जी हमारे पास आई हैं कंप्लेन लेकर के। मैं ह्यूमन राइट्स से हूँ, अमिता कौशिक नाम है हमारा, और ये आई आके अपना सारा समस्या बताई। क्या ससुराल में इनके शादी का एक साल हो चुका है, एक साल होने के बाद इनके ससुर जी इनको काफ़ी मतलब बदनाम किए, क्या बच्चा नहीं होगा, और फिर किसी के साथ रिलेशन है, ये है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, ये सब लेकर के उसे बहुत परेशान किया गया है। हम कोशिश करेंगे, इनका जो हक है इनको मिलना चाहिए, ये उस घर की बहू है और इनका पूरा हक बनता है क्या उस घर में रहे, और इन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए एक बहू के नाते, वो सम्मान उनको ससुराल वाले दें। अपने तीन दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम ने सोमवार को JLNMCH मायागंज का दौरा कर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RC मंडल से मुलाकात की। टीम के डायरेक्टर SK दुबे और सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी SK रवानी ने विभिन्न घटनाओं की समीक्षा की और मायागंज अस्पताल में अनुसूचित जाति की एक 60 वर्षीय महिला के साथ पूर्व में हुई
घटना को लेकर स्थल निरीक्षण किया और अस्पताल अधीक्षक से मामले से संबंधित जानकारी एकत्रित की। टीम ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम के क्रियान्वयन एवं कल्याण कार्यक्रमों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके अलावा भी कई मामलों एवं योजनाओं का निरीक्षण टीम ने किया। JLNMCH के अधीक्षक ने कहा कि मायागंज अस्पताल में 29 मार्च को एक 60 वर्षीय महिला को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जिसके साथ 6 अप्रैल को अटेंडेंट ने कुछ गलत हरकत की थी, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस में घटना को लेकर मामला दर्ज कराया गया था। एक पेशेंट भर्ती हुआ था यहाँ पर 29 मार्च 2019 को, तो पेशेंट को 6 अप्रैल को उसके साथ कुछ दुर्घटना हो गई। वहीं कोई अटेंडेंट था, बाथरूम में ले जा करके उसके साथ छेड़खानी किया, तो हमको सूचना मिली तो हम पुलिस को खबर कर दिए थे और पुलिस उस पर FIR दर्ज किया था। चूँकि महिला अनुसूचित जाति की थी, इसलिए अनुसूचित जाति आयोग के डायरेक्टर साहब आए हुए थे, उन्होंने अस्पताल का पेपर देखा और साइट देखा। युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने अपने तिलका मांझे स्थित आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलो मंडल ने लोकसभा चुनाव में भाजपा और NDA को मिले प्रचंड बहुमत को जनादेश की लूट करार दिया। उन्होंने कहा कि EVM हैक कर डाटा की चोरी की गई है और इसमें चुनाव आयोग की भी गतिविधि संदिग्ध है। जनता भी आश्चर्यचकित है कि जब भाजपा को वोट नहीं दिया तो इतनी भारी जीत कैसे मिल सकती है। पूर्व सांसद ने कहा कि राजद लोकतंत्र को बचाने के लिए EVM से नहीं बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग करती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हुआ है जब जनता के वोटों की लूट किसी के द्वारा की गई है। इसके अलावा भी केंद्र की मोदी सरकार पर राजद नेता ने कई गंभीर आरोप लगाए। हम लोग हार से निराश हुए हैं, हतोत्साहित नहीं हुए। उसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों ने, इस देश की जनता ने महागठबंधन को वोट देने का काम किया, लेकिन पूरी तरह से जो जनादेश की डकैती की गई EVM को हैक करके, इसके लिए मैंने सबों को बुला कर, चूँकि इस पर भारी मात्रा में आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ये बहुत बड़ी मात्रा में आ रहा है। और हम लोग जब गांव-गांव कस्बे-कस्बे जाने का काम किया तो लोग भी हतोत्साहित है, अचंभित है कि ये कैसे हो गया। जब मैंने वोट देने का काम किया तो इतना बड़ा जनादेश कैसे उसको, जब भागलपुर की बात करेंगे तो 3-3 लाख का अंतर, यह किसी को नहीं पच रहा। और निश्चय ही यह EVM को हैक करके जनादेश का लूट किया गया है, इसलिए मैं अपने समस्त जनता मालिकों को, अपने तरफ से पूरी तरह से सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चुनाव हारा हूँ, लेकिन हारे या जीते मैं लगातार आपके बीच में हाजिरी लगाने का काम करूँगा। नगरसिया पुलिस जिला का आतंक कुख्यात अपराधी चंदन कुंवर और कृष्णा चौधरी को STF और नगरसिया पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में धर दबोचा। पकड़े गए अपराधी के पास से पुलिस ने देसी कट्टा और 7 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पकड़े गए दोनों अपराधियों पर नगरसिया पुलिस जिला के विभिन्न थानों में एक दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। नगरसिया SP निधि रानी ने कहा कि दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। गुप्त सूचना के आधार पर भीपुर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गाँव में छापेमारी की गई, जिसमें दोनों अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिल्क TV। अगरबत्ती परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। किसान अगरबत्ती, धरती पर जले आकाश तक महके।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी, आइए देखते हैं अगली खबर। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल में रविवार की शाम शराब के नशे में धुत बेटे को उसकी मां ने पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद युवक ने हाजत में गले में गमछा से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक युवक कहलगांव थाना क्षेत्र के जान महमदपुर निवासी महेंद्र मंडल का पुत्र 30 वर्षीय दिलखुश कुमार बताया जा रहा है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि दिलखुश शराब पीने का आदी हो गया था और शराब के नशे में वह घर में सभी से झगड़ा करता था। इसी से तंग आकर रविवार को दिलखुश की मां ने अपने बेटे की थाने में शिकायत की, जिसके बाद घर पहुंची पुलिस ने युवक को थाने ले जाकर हाजत में बंद कर दिया। कुछ देर बाद ही दिलखुश से मिलने उसका दोस्त थाना पहुंचा, जहां दिलखुश ने अपने दोस्त से गमछा ले लिया और फंदा डालकर झूल गया। घटना के बाद मृतक युवक के परिजन थाना को घेर कर हंगामा करने लगे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही SSP आशीष भारती ने SDPO को घटना की जांच कर रिपोर्ट तलब किया। SSP ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बांका के रजौन कटियामा गांव में हाइब्रिड धान बीज की अवैध पैकिंग का मामला सामने आने के बाद स्थानीय किसानों ने जमकर बवाल काटा। किसानों की माने तो खैरा पंचायत के कटियामा गांव में दुबे पोदार के राइस मिल में हाइब्रिड धान बीज के नाम पर लोकल धान बीज की अवैध पैकिंग की जा रही थी। इस गोरख धंधे की खबर मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल कटियामा गांव पहुंची और राइस मिल गोदाम में छापेमारी कर सैकड़ों खाली बैग 500 पैक धान की बोरी को बरामद किया। मौके से पैकिंग मशीन, नकली टैग भी बरामद हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही अंचल निरीक्षक राजेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और इसकी सूचना SDO और BDO को दी। 40 डिग्री से ज्यादा तापमान में सेहत दुरुस्त रखना एक बड़ी चुनौती है, साथ ही गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक या लू लगना जानलेवा हो सकता है। इस मौसम में कई लोग वायरल बुखार की चपेट में भी आ जाते हैं। अस्पताल में टाइफाइड, गैस्ट्रो और डायरिया के मरीज की संख्या बढ़ गई है। वहीं इन बीमारियों से बचाव को लेकर भागलपुर के फिजिशियन सह JLNMCH के पूर्व ट्यूटर मृत्युंजय कुमार आजाद ने कहा कि हीट स्ट्रोक होने पर मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। डॉक्टर मृत्युंजय ने गर्मी के मौसम में लोगों को खान पान में एहतियात बरतने की बात कही, साथ ही कहा कि इस मौसम में लोगों को मौसमी फलों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। गर्मी में अभी जो मौसम चल रहा है, जो लू का मौसम है, उसमें मुख्य रूप से हमें सावधानियों में बहुत ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ लेना चाहिए, है ना। और घर से जो अगर बाहर निकलना, जब जरूरत हो तभी बाहर निकलनी चाहिए। और जो निश्चित रूप से इसमें जो सूती कपड़ा वगैरह का प्रयोग करें, सर को कपड़े से ढक करके रखें, है ना, हल्का ढीला कपड़ा पहने। बहुत ज़्यादा तरल पदार्थ में जैसे हम लोग दही, लस्सी, छाछ, है ना, और जो मौसमी फल है उसका प्रयोग करना चाहिए। लू अगर लग जाए तो सबसे ज़रूरी चीज़ है शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करें, है ना। शरीर को ठंडा रखने के लिए हम लोग ORS वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी मौसमी फल है उसका अत्यधिक प्रयोग करना है। शरीर पर आम का लेप वगैरह जो, या मौसमी फल है उसका लेप लगा सकते हैं। और शरीर को नॉर्मल रखने के लिए ORS वगैरह का प्रयोग करना है। ORS ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, जो अगर वो उपलब्ध नहीं हो तो नमक चीनी का घोल भी हम लोग ले सकते हैं। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के सनहौली गांव में पिछले 3 दिनों से बिजली की समस्या से लोग परेशान है। ट्रांसफार्मर जलने के कारण करीब 8,000 की आबादी बिजली संकट से जूझ रही है। खासकर वृद्ध और बीमार बिजली नहीं रहने के कारण अधिक परेशान हो रहे हैं, जबकि ग्रामीणों में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। एक ओर जहां बिजली नहीं रहने से लोग परेशान हैं, वहीं घरेलू काम के साथ जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जन चेतना एवं सद्भावना मंच के जिला संयोजक मंजर आलम और नुसरत वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव मौलाना जाहिद हलीमी कासमी ने इस समस्या को लेकर जिलाधिकारी प्रणब कुमार समेत बिजली विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई है। साथ ही समस्या समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन करने की बात कही। कहलगांव अनुमंडल के सनहौला प्रखंड बेलडीहा गांव में जलसा का आयोजन किया गया। जलसा में सामाजिक एकता एवं समाज में फैली कुरीतियों पर प्रकाश डालते हुए समाज के लोगों को जागरूक किया गया। जलसा के मुख्य वक्ता मौलाना तनवीर ने दहेज प्रथा, शराबबंदी, जुआ जैसे सामाजिक कुरीतियों पर प्रकाश डाला और सभी मुसलमानों को 5 वक्त नमाज अदा करने की बात कही। जलसे का आगाज मौलाना मुफ्ती समस परवेज ने किया। मौलाना मुफ्ती परवेज ने कहा कि अपने मुल्क से मोहब्बत दिलोजान से करनी चाहिए और सभी धर्मों को मिलजुल कर रहना चाहिए। साथ ही कहा कि यह दरगाह ऐसी दरगाह है जहां हर धर्म के लोग आते हैं। उर्स में आए लोगों का इस्तकबाल मौलाना मोहम्मद इकबाल ने किया। मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। अपराध नियंत्रण को लेकर भागलपुर SSP ने चलाया सघन तलाशी अभियान। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का काटा चलान।
ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग महिला ने लगाई न्याय की गुहार, डीआईजी ने दिया न्याय का भरोसा। तीन दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंची राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम, पूर्व में हुए घटनाओं की समीक्षा। पूर्व सांसद बुलो मंडल ने लोकसभा चुनाव में हार के बाद केंद्र सरकार और ईवीएम पर फोड़ा ठीकरा, कहा वोट की हुई लूट। और पुलिस जिला नौगछिया का कुख्यात अपराधी चंदन कुंवर और कृष्णा चौधरी चढ़ा पुलिस के हत्थे, हथियार हुआ बरामद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।